नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में और हम इस वक्त का जो तस्वीर है दिखा रहे हैं छठ पूजा का, और चेंबूर से ये लाइव तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में छठ मैया को मानने वाले जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तालाब के अंदर अर्घ दे रहे हैं। और सूर्यदेव जो जाने वाले हैं, अभी संध्या का समय है तो सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और पानी में महिलाएं भगवान सूर्य जी की पूजा कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ के आयोजक हैं कुशल मिश्रा जी, जो कई साल से छठ पूजा का यहाँ पर आयोजन करते हैं और बड़ी संख्या में उत्तर भारत के जो लोग हैं वो यहाँ इस तालाब पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर भक्तिमय की जो पूरा वातावरण यहाँ पर बना रहता है, क्या कहेंगे कितने साल से आप लोग इस तरह के छठ मैया का पूजा करते, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी ये 21वां साल है आप लोगों के आशीर्वाद से। जब मैं स्टार्ट किया था तभी 10 आदमी जुटता था, सब जुहू चौपाटी जाता था। राहुल शिवालय साहब जब उनके आशीर्वाद से ये सब तालाब बना, अभी तब से मैंने 10,000 पब्लिक सब इधर मानखुर्द, वडाला, वासीनाका, लाल डोंगर, कुरला जी नज़दीक का सब सुविधा मैं कराता हूँ। BMC का बहुत सहयोग रहता है, चेंबूर पुलिस स्टेशन का भी सहयोग रहता है। महादेव शिवगन साहब नगर सेवक है, उन्होंने पानी कम था तो वो आके फटाफट डलवाए, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। तो सबके दया से काम अच्छा करता हूँ और माता रानी से यही दुआ करता हूँ सबको खुशहाल रखे, सबको बुद्धि दे और सबको आशीर्वाद प्रदान करे। किस मंच के माध्यम से प्रोग्राम हर साल करते हैं? बिहारी एकता मंच हमारा रजिस्टर्ड है और तब से मैं यहाँ पे करता हूँ और ये हमारे नाम से ही पूरा यहाँ पे चरी तालाब पे होता है। और पब्लिक आप देख ही रहे हो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कम से कम हजारों के संख्या में पब्लिक रहता है और सबका पानी, चाय, प्रसाद सबका व्यवस्था रहता है। क्या क्या व्यवस्था रहता है यहाँ पे देखा जाता है? स्टेज आप लोगों ने लगाया है, कई नेता अभिनेता यहाँ पर, माता का चौकी है वहाँ पे, सब नेतागण को मैं निमंत्रण दिया हूँ। राहुल शिवालय साहब 6:30-7 के बीच में आएंगे, महादेव शिवगन साहब आके गए, वहाँ बाहर जाना था, प्रसाद लाट साहब बोले मैं आ रहा हूँ, और कई नेतागण हैं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है अपने पास। आशीष गडकरी साहब हमारे साथ हैं तो उन्होंने अभी आएंगे थोड़ा देर में और उनका सहयोग रहता है। अच्छा, उत्तर भारत के जितने छठ मैया को जानने मानने वाले लोग हैं, भक्त हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं तो इनके लिए क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था है? यहाँ पे मैं एक तो पहले बोला साफ़ सफाई करा के दिया, तालाब छोटा तालाब बनवाया था तो इसमें सब बैठने के लिए, बड़ा तालाब में पानी ज़्यादा है। बाकी इन लोगों का ड्रेस, जो पानी से निकलेंगे उनका ड्रेस चेंज करने का व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहता है। और आप लोग ये जो पूरा खर्चा है या यहाँ पर जो पूरा मैनेजमेंट है वो किस तरह करते हैं, किसका किसका? हम लोग सबके सहयोग, शिवालय साहब हुआ, गडकरी साहब हुआ, मैं सबसे चंदा लेके करता हूँ, कारण हम लोग नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ तो हम लोग इतना बड़ा 2-2.5 लाख खर्चा होता तो नहीं कर सकता हूँ। 4 बजे से ये तो शाम को डूबते हुए सूरज का होगा, फिर 4 बजे से फिर पब्लिक आना शुरू होगा तो वो 8 बजे तक चलेगा, अर्घ देगा सुबह तक और रात भर भजन होता है। रात भर 10 बजे तक भजन रहेगा, बाकी यहाँ पे पुलिस रहेगा, हम लोग रहेंगे यहाँ पे रात भर। हम लोग बिहारी एकता मंच के माध्यम से हर साल, मिश्रा जी का कहना है कि 21 साल से हर साल इस तरह छठ पूजा चेंबूर में मनाया जाता है। कई भक्त जो है जूह चौपाटी जाते हैं, दादर चौपाटी जाते हैं, मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, कई मुंबई में जो उत्तर प्रदेश बिहार के जो भक्त हैं वो अपने गाँव जाते हैं छठ मैया का पूजा करने के लिए, लेकिन मुंबई के चेंबूर की तस्वीर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं और यहाँ पानी में तालाब में, चेंबूर का चरई तालाब है जहाँ पर ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर भक्त जो महिला है वो यहाँ पर हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और बिहारी एकता मंच के माध्यम से हर साल इस तरह का बंदोबस्त पूजा किया जाता है। ये मिश्रा जी लास्ट मुझे लगता है 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ और ज़्यादा भी होगा, एग्जैक्टली इतने सालों से हर वर्ष ये इनकी जो एक्टिविटी है छठ पूजा की, इसके अलावा भी दूसरा सोशल एक्टिविटी भी करते रहते हैं अपने समाज के लिए या दूसरे के लिए, और हर साल तकरीबन मुझे यहाँ निमंत्रण रहता है, मैं आके भी जाता हूँ और हमारे साथ भी जुड़े रहे हैं ये काफ़ी सालों से कम मुझे लगता है 26 साल से ज़्यादा से हमारे साथ जुड़े हैं और समाज के लिए काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि इसी तरह से ये लगे रहें और कुछ कुछ
इनकी तरफ से लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता है। इसके लिए सभी पॉलिटिकल मंच के लोग हैं, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, शिवसेना वाले हों, सभी लोगों की तरफ इनका प्यार भी है। ये भी बहुत मतलब सभी से रिस्पेक्टफुली उनके इनविटेशन देते हैं और ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, सभी लोग यहाँ आते हैं। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा जी ने सहयोग तो मतलब रहता ही है मिश्रा जी को, ऐसे तो कोई भी सोशल मंच रहता है, चेंबूर के लोग हों ज़्यादातर, तो हमारे पास कोई भी अगर कोई ऐसा बात करते हैं तो हम लोग ज़रूर उनको सहायता करते हैं। लेकिन मिश्रा जी का तो इनकी बात अलग है, ये हमारे काफ़ी करीबी हैं और ये बोलेंगे तो उनको हमेशा मतलब हम लोग उनको सहयोग करते हैं किसी भी काम का। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज झा, मैं बिहार एकता मंच की तरफ से सारे देशवासियों की छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और ये छठ पूजा महापर्व छठ पूजा है जो सारे देशवासियों के लिए है, हर्षोल्लास के लिए है। तो छठी मैया से हम लोग ये प्रार्थना है कि सबों की शुभकामनाएं दें और सबों की सारी प्रार्थना को पूरा करें। इसके लिए सारे देशवासियों को शुभकामनाएं, आप लोगों को भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपना टाइम देते हैं और हमारे समाज के साथ साथ आप लोग लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि छठ पूजा हम लोग बहुत ही धूमधाम से मचा रहे हैं। आज बिहारी एकता मंच मुंबई में, चेंबूर में, एकस क्लब के सामने में मना रहे हैं ताकि देशवासियों को जहां तक हो सके वहां लोग आकर के पूजा करें और आपस में एक सहयोग सा बनाए रखें। यहां पे सारे लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल पार्टी का, समाज के जितने भी लोग हैं, मीडिया कर्मियों का, सबों का सहयोग रहता है। उसके लिए सारे लोगों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके लिए कौशल मिश्रा सर जो काफी इनिशिएटिव लेते हैं ये बिहारी एकता मंच को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी एक्टिविटी होती है सोशल एक्टिविटी सारे में वो आगे रहते हैं, उसके लिए बहुत सारी धन्यवाद, थैंक यू। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।